इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चेदानी को या गर्भाशय को कब निकाला जाता है और किन कंडीशंस में ये जरूरी हो जाता है कि अब यूट्रस को, गर्भाशय को या बच्चेदानी को निकाल देना चाहिए, या कोई ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कुछ केसेस में जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं या बिना सर्जरी के आप उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जहाँ पे आपको गर्भाशय को या बच्चेदानी को निकालने की जरूरत पड़ती है। तो पहले समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं जिनमें यूट्रस को या बच्चेदानी को या गर्भाशय को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है और जिस सर्जरी को हिस्टेरेक्टमी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन बीमारी है, बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं में ये दिक्कत होने लगती है, जिसको कहते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस के कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिससे उनको खून की कमी हो जाती है, वीकनेस और कमजोरी भी रहने लगती है। उसके अलावा कई बार अगर बच्चेदानी के अंदर कोई ऐसी गांठ हो जाए जो कैंसर की गांठ हो, तब भी बच्चेदानी को निकालने का ही एक उपाय डॉक्टर के पास बचता है। लेकिन जो फाइब्रॉइड यूट्रस है वो नॉन कैंसरियस होता है, वो कैंसर वाली गांठ नहीं होती है। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फाइब्रॉइड हो गया है तो आपको बच्चेदानी को निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। या उसके अलावा किसी दूसरे कारण से महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, और उसके अलावा या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाएं कि नहीं अब यूट्रस को नहीं रख सकते हैं, जैसे प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा हो जाए, वो किसी भी तरीके से कंट्रोल ना रहा हो, तो ये भी एक कारण होता है बच्चेदानी को रिमूव करने का।